हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं कैसे हम एक्सेल फाइल को SQL सर्वर में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है। यहाँ पे मैंने एक सुपर स्टोर डेटा बेस बनाया है, तो अभी इसके अंदर कोई टेबल नहीं है। और ये जो आप एक्सेल फाइल देख रहे हैं, जो ऑर्डर्स टेबल है यहाँ पे, इसको मेरे को अपने सुपर स्टोर डेटा बेस में इम्पोर्ट कराना है, जो यहाँ पे मुझे कराना होगा। तो क्या करना है, सबसे पहले राइट क्लिक करिए, टास्क में जाइए। अब आपका यहाँ पे इंपोर्ट डेटा, आप इंपोर्ट फ्लैट फाइल भी देख रहे हैं, तो अगर आपकी सीएसवी फाइल है तो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, बट हमारी एक्सेल फाइल है तो मैं इंपोर्ट डेटा में जाऊंगा। क्लिक करिए इंपोर्ट डेटा पर, एक विजर्ड ओपन होगा, वेलकम टू SQL सर्वर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजर्ड। नेक्स्ट पे क्लिक करिए, यहाँ से आपको डेटा सोर्स सेलेक्ट करना है सबसे पहले। तो आपका एक होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उस पर सिलेक्ट करिए। यहाँ पे आपको एक्सेल का पाथ देना है, जहां भी आपका एक्सेल स्टोर है उसका पाथ दीजिए। एक्सेल वर्जन आप सिलेक्ट करिए, उसके बाद आप इसको नेक्स्ट पे क्लिक करिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन में आपको चेंज करना होगा। लास्ट ऑप्शन होगा आपका SQL सर्वर नेटिव क्लाइंट, जस्ट क्लिक ऑन दैट। उसके बाद विंडोज ऑथेंटिकेशन रहने दीजिए। डेटाबेस, यहाँ पे आप सुपर स्टोर डेटाबेस सिलेक्ट है, आप कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे न्यू का ऑप्शन भी होता है साइड में, आप न्यू से नया डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करिए। वंस यू सिलेक्टेड द डेटाबेस, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कॉपी डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स, नेक्स्ट पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे जितने भी आपकी एक्सेल के अंदर वर्कशीट है वो सारी लिस्ट होंगी यहाँ। अब आप देखिए कौन कौन सी वर्कशीट चाहिए आपको, हमारे केस में हमें तीनों चाहिए, तो हम तीनों पे क्लिक कर लेंगे और देन हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे। इसके बाद आप सिंपल इसको नेक्स्ट करिए, फिनिश करिए, तो थोड़ा अपने आप होता रहेगा, सम एक्शंस आर हैपनिंग। ठीक, कितनी रोज इंपोर्ट हो रही है इस डेटा बेस में, एक्सेल के अंदर 994 रोज है, तो ये सारी हमारे यहाँ पे आ जाएगी। अब इस पे आप रिफ्रेश करिए। अब आप टेबल्स में जाइए, आपको मिलेगा यहाँ पे तीन टेबल्स, ऑर्डर्स, पीपल, रिटर्न, बिकॉज ये तीनों टेबल हमारी एक्सेल फाइल के अंदर थी, तो अब ये तीनों टेबल बन गई है। तो इन तीनों ही टेबल को रीनेम कर देते हैं, जस्ट टू रिमूव द डॉलर साइन फ्रॉम हियर। अब हमारे पास ऑर्डर्स, पीपल, रिटर्न, ये तीन टेबल है सुपर स्टोर डेटाबेस में। सो गाइज, आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।